क्या पता है आपको कि आरसीबी लगातार 3 प्लेऑफ में पहुंचने के बाद फाइनली इस बार के आईपीएल में प्लेऑफ के पहुंचने के रेस से ये बाहर हो चुके हैं। तो गाइस फाइनली स्वागत है आपको हमारे वीडियो में। और गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली सभी न्यूज के बारे में हम एनालिसिस करेंगे और साथ में ये चीज भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या चेन्नई सुपर किंग्स अभी भी काफी अच्छे फ्लो में चलती हुई नजर आ रही है या फिर इनको होने वाली है काफी तक दिक्कत, और नए रिप्लेसमेंट जो कि ग्लेसन है कब तक वो करने वाले हैं चेन्नई का कैंप ज्वाइन, क्योंकि काफी लोगों का यही सवाल था कि ग्लासन कब तक कैंप ज्वाइन करेंगे। तो फाइनली मैं इस वीडियो में आपको कंफर्म कर दूंगा कि यहाँ पे ग्लासन कब तक यहाँ पे कैंप को ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। तो बेसिकली हमारी ये न्यूज वीडियो रहने वाली है, तो पूरी अभी लेकर पूरा इंटरटेनमेंट वीडियो देखेगा। और जो लोग भी चैनल पे नए आए थे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं एक बार नीचे देख लीजिए, सब्सक्राइब नहीं हुआ होगा तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पहले न्यूज के बारे में, और भाई जो सबसे पहली न्यूज निकल के आ रही है रिचर्ड ग्लासन की ओर से निकल के आ रही है। अब आपको पता चल ही चुका होगा कि यहाँ पे जो डेविड कॉनवे हैं कॉनवे रूल्ड आउट हो चुके हैं, और डेविन कॉनवे के रूल्ड आउट होने के बाद ग्लासन को ही एज अ रिप्लेसमेंट टीम में शामिल किया गया। और ग्लासन की बात कर लें तो ये काफी अच्छे गेंदबाज हैं, इंग्लैंड की तरफ से ये आते हैं, और अगर बात कर लिया जाए तो इनकी जो एज है वो 36 साल है, यानी कि चेन्नई की जो एक कोटा होता है कि इतने एज का प्लेयर हमें चाहिए, ऐसे प्लेयर हमें चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट ये पूरी फुलफिल करते हुए नजर आ रहे थे। और कॉनवे को मैंने आपको याद होगा कि मैं लगातार वीडियोस बना रहा था तो उसमें कह दिया था कि आप मानिए चाहे मत मानिए लेकिन अंदरूनी तौर पर यह कंफर्म हो चुका है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड कोई भी रिपोर्ट दे नहीं रही थी, सब चीजें कंफर्म लग नहीं रही थी, तो इससे मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि आप कंफर्म रहिए कि ये रूल्ड आउट होने वाले हैं। और सेम यही चीज है, ये रूल्ड आउट हो चुके हैं, आईपीएल 2024 में ये खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, और ग्लासन को एज अ रिप्लेसमेंट टीम में शामिल किया गया है। और फाइनली काफी लोग पूछे भाई ये आने कब वाले हैं, तो अभी जो इनका पूरा चीजें चल रही है वो वीजा पासपोर्ट को लेकर सभी चीजें यहाँ पे इंग्लैंड में चलती हुई नजर आ रही है, और ये जल्दी अप्रूव हो जाएगा और 3 से 4 दिन में ये कैंप को ज्वाइन कर जाएंगे। बस वीजा प्रॉब्लम की वजह से इन्हें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और जैसे ही वीजा का क्लियरेंस मिल जाता है 3 से 4 दिन में ये चेन्नई का कैंप ज्वाइन कर लेंगे। अब इनके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो मैं लाके बता दूंगा कि ग्लासन है कौन, कैसे बॉलिंग करते हैं, क्योंकि एज अ बॉलर को रिप्लेसमेंट लिया गया है। आपने देखा होगा कि डेविन कॉनवे आपके ओपनर विकेट कीपर बैट्समैन है, लेकिन इन्हें रिप्लेसमेंट किसे लिया गया है, एज अ बॉलर को लिया गया। तो ये भी क्यों लिया गया, चेन्नई क्या सोच रही है, क्या थॉट ऑफ माइंड है, सब चीजें मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यही न्यूज है कि कब तक वो आएंगे। तो भाई फाइनली बात करने वाले हैं दूसरे चीज के बारे में, तो जो अगला मुकाबला होने वाला है चेन्नई का वो डू और डाई एक तरीके से समझ के चलिए, क्योंकि केकेआर ने भी यहां पे मुकाबले जीत लिए हैं तो वो टॉप 2 में आ चुके हैं। हैदराबाद तो मेरे को लग रहा है किसी के हाथ में आने के मूड में ही नहीं है। आप राजस्थान को एग्जैक्टली समझ लीजिए कि ये क्वालिफाई कर ही चुके हैं, एक पांव इनका जो कि एक प्लेऑफ के रेस में एक बाहर है, जैसे ही एक मुकाबले और जीत लेंगे पूरा दोनों समझिए अंदर चले गए पैर। अब इस तरीके से चेन्नई के जो अगले मुकाबले होने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट मुकाबले होने वाले हैं, तो अगर आप इस तरीके के बॉलिंग के साथ नेक्स्ट मुकाबले में जाने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा संभल जाइएगा, एक बार आप कोशिश कर लीजिएगा कि कैसे न कैसे करके चहर और तुषार को अगर आप बाहर निकाल सकते हैं तो इन्हें निकालिए, और इनके जगह पे एक स्पिनर को रखिए, और उसके साथ अगर बात कर लिया जाए तो आप यहाँ पे चाहर के जगह पे शार्दुल को रखने की कोशिश करिए। ये दोनों प्लेयर्स को आप बाहर करिए तभी यहाँ पे चीजें सही होंगी, क्योंकि एलएफजी से मुकाबला है, एलएफजी आपने पता होगा पिछले मुकाबले में कैसा खेल के आ रही है, कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से हाई है, तो एलएफजी को हराने के लिए इन्हें अच्छे खासे प्लान्स बनाने की जरूरत रहने वाली है। तो भाई पहली बात करने वाले अगली चीज के बारे में, लेकिन उसके पहले अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है गिव अवेज। हाँ गाइस, अब फाइनली जो अगले 7 मुकाबले और प्लेऑफ्स के मुकाबले बचे हुए हैं लगातार गिव अवेज होने वाली है, और गिव अवेज के सब चीजें क्या क्वेश्चन क्या आंसर कैसी रिक्वायरमेंट क्या चीजें करनी है, टेलीग्राम सिर्फ एक सोर्स है, टेलीग्राम। टेलीग्राम पे आपको सब चीजें मिलेंगी, आपको गिव अवेज मिलेंगे, तो ये जर्सीज अगर आप पाना चाहते हैं तो फटाफट से टेलीग्राम चलिएगा। टेलीग्राम की जगह नहीं पता तो मैं आपको बता दूं लिंक कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया आपके लिए, फटाफट से चले जाइएगा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और बता दीजिएगा कि हम नए हैं, जो भी हमारा नया पोस्ट होगा आप लोग बता दीजिएगा कि आई एम न्यू, तो आप लोगों को हम लोग बात समझ लेंगे और ये कैसी चीजें प्रोसीजर मैं आपको बता ही दूंगा। तो भाई पहली बात करने वाले वही चीज के बारे में कि चेन्नई चेंजेस के अप्रोच में रहने वाली है, चेंजेस करते हुए के मूड में आने वाली है, क्योंकि चेन्नई चेंज करेगी तभी यहाँ पे कुछ फायदा और प्रॉफिट होगा। और बात करें तो नेक्स्ट मुकाबले में चेन्नई पूरी तरीके से चेंजेस के मूड में रहने वाली है, क्या चेंज होगा प्लेइंग 11 की वीडियो में आपको बता दूंगा।
तो भाई पहली बात करने वाले हूँ अगली चीज के बारे में, तो वही बात कर लिया जाए कि यहाँ पे आरसीबी प्लेऑफ के रेस से बाहर हो चुकी है। यहाँ पूरी तरीके से आईपीएल का नॉलेज आपको होगा और अगर आपने चीजों ध्यान से एनालिसिस किया होगा तो ये जो मुकाबले अभी रिसेंट में आज के जो मुकाबले इन्होंने हारे हैं इसके बाद अब आरसीबी को एक तरीके से 95-97% बाहर ही समझ लीजिए, क्योंकि अब लगातार मुकाबले जीतते भी हैं तब भी ये 14 पॉइंट्स पे ही पहुंचेंगे। लेकिन आरसीबी की जिस हिसाब से क्रिकेट है मुझे नहीं लग रहा है कि ये सभी मुकाबले अब यहाँ से जीत सकते हैं, तो सभी मुकाबले जो जीतने यहाँ पे इम्पॉसिबल है और बात के लिए तो इन्हें आप बाहर ही समझिए। और पहली टीम हाफ ऑफ द आईपीएल आते हुए जो बाहर हुई है वो आरसीबी की टीम सामने निकल के आ रही है। अब वही बात करने वाले हैं अगली चीज के बारे में कि यहाँ पे चेन्नई को अब जीत का अप्रोच करना पड़ेगा, कम से कम दो अगले मुकाबले जीतने पड़ेंगे क्योंकि अब आपको यहाँ पे प्लेऑफ में क्वालिफाई तो करना ही है लेकिन एक तरीके से टॉप टू में कहीं जगह बन सकता है, तो आप उसके बारे में सोचिए, टॉप टू के पोजिशन के बारे में थोड़ा सोचिए, जगह बन जाए तो टॉप टू में आप आ जाइए। तो गाइस ये थी सभी वीडियो जो कि न्यूज निकल के आने, मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, न्यूज देना हमारी जिम्मेदारी, हम अपना काम पूरा अच्छी तरीके से कर रहे हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो एंड करते हैं, आप अपने अगले एनालिसिस के साथ।